अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम अनबॉक्सिंग अनदर ड्रेस बाय अफरोज़ वेडिंग कलेक्शन एंड वी हैव ओके जी, ये ड्रेस मेरा बड़ा फेवरेट था पिक्चर ही देखकर। सीना कुछ करके आई डोंट नो इसे क्या, सीना करके कुछ कोड है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। ओके, प्राइस है इसकी 15,950 रुपीज और इट्स अ लहंगा ड्रेस। लहंगा है, विश्वास है, एक्चुअली विश्वास है। लेट्स सी हाउ इट इज। बट इफ आई ले डाउन एंड आई प्ले डेड एंड आई स्टे डेड, मेबी यू विल गेट सिक ऑफ बीइंग अ मॉन्स्टर आउट ऑफ माय हेड अंडर माय बेड। थैंक यू सो मच। ओके जी, मरून कलर का ड्रेस है ये, डीप मरून है और नेट इसका फैब्रिक है। ये इसकी कलियों का फैब्रिक है, 14 कलियाँ हैं इसकी, यानी कि 7 एक साइड पर आएंगी, 7 दूसरी साइड पर आएंगी और 7 कलियाँ, 14 कलियाँ, और ये खासी चौड़ी कली है, तकरीबन 12 इंच यहाँ से है या 11 इंच होगी, तो इसमें जो है काफ़ी घेर बन जाता है। उसके बाद है इसका बॉर्डर और ये फ्रंट बैक का बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर जो है इन्होंने इस तरह से लगाया हुआ है, ये डबल है, मतलब एक साइड का दिखा रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही साइड पे, इनफैक्ट ये डबल भी नहीं है, 4 ऐसे है, तो ये बहुत ज़्यादा घेर होगा, यानी कि ये समझ लें मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, तो तकरीबन 4 गज ऑल राउंड इसका घेर बनेगा। और 4 गज ऑल राउंड का मतलब होगा मेरे ख्याल लेकिन पिक्चर से ज़्यादा बनेगा। तो ये इसका बॉर्डर है। उसके बाद एक और बॉर्डर है जो कि इन्होंने दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पर लगा हुआ है ये बॉर्डर। अब ये मुझे लगता है कि डबल करके सिर्फ फ्रंट पर ही हो पाएगा, क्योंकि जितना इन्होंने फ्रंट का वो दिया हुआ है, ये वाला मुझे लगता है डबल हो जाएगा। ये डबल स्कैलप में ये वाले नीचे वाली साइड आ रहे हैं, ये ऊपर की साइड आ रहे हैं, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फ्रंट पर ही हो पाएगा। तो ये फ्रंट बैक की कलियाँ हो गई। उसके बाद है बॉडी का कपड़ा, ये है इसकी फ्रंट की बॉडी। हाँ, बॉडी में भी जो है इन्होंने लंबाई भी तकरीबन 17 इंच लग रही है, मुझे लग रहा है कहीं से ना काम काटना पड़ेगा, ऊपर वाली साइड काटना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो है इसने गले में नेकलेस पहना हुआ है, इसके गले पर के ऊपर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो हमें जो है वो मैक्स 15 इंचेस चाहिए होती है, और चौड़ाई में भी जो है ये काफ़ी है, तो प्लेन नहीं आएगा ये। और ये बैक की बॉडी है। उसके बाद है फिर इसकी स्लीव्स, और स्लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत है। एम्ब्रॉयडरी कलर्स के बहुत अच्छे हैं, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, काफ़ी बारीक एम्ब्रॉयडरी है। और स्लीव्स के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा कि कोई और बॉर्डर है, स्लीव्स के ऊपर आई थिंक कोई और बॉर्डर नहीं, क्योंकि ये बना हुआ ही है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आई डोंट नो, एक बॉर्डर दिया है एक्चुअली, इस पिक्चर में जो है वो दिख नहीं रहा, लेकिन एक बॉर्डर सेपरेट है, मे बी ये होगा लाजमी स्लीव्स का ना, इसके आगे एक और बॉर्डर आएगा। और स्लीव्स जो है वो अच्छी खासी है, लंबाई में पूरी होता है कि मोस्टली ऊपर प्लेन आ जाता है, तो वैसा नहीं, ये पूरी जो है वो बनावट। और फिर है इसका दुपट्टा, और अच्छा दुपट्टा जो है वो शिफॉन का है, ड्रेस नेट है और दुपट्टा शिफॉन है, और दुपट्टे के साइड पे लॉन्ग साइड पर ये बॉर्डर बना हुआ है जो कि कटवर्क हो जाएगा, और मुझे सिर्फ ये देखना है, चलिए कटवर्क हो जाएगा। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ब्लू वाले बॉर्डर ने कहाँ के लिए, ये बॉर्डर हो गया। उसके बाद अच्छा सॉरी, ये जो बॉर्डर मैंने पहले दिखाया था जो मुझे लग रहा था सिर्फ फ्रंट का होगा, ये दुपट्टे के पल्लों का है, सॉरी अगेन, ये दुपट्टे के पल्लों का है, तो इस तरह से ये वैसे ही बन जाएगा। और इन्होंने फिर ये वाले बॉर्डर दिए हैं, ये उतने ही लंबे हैं, ये डबल है, जैसे कि ये नीचे वाला दामन का बॉर्डर है, दुपट्टे को मैं साइड में कर लूँ, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई है इसकी एक्चुअली, तो ये डबल है, ये डबल फोल्ड किया हुआ मैंने, ऐसे डबल नहीं, मतलब ऐसे करके भी डबल है ये, और इसका उतना ही गियर बनेगा जैसे पिक्चर में, सॉरी जितना उसका दामन है, जितना पिक्चर में दिख रहा है, पिक्चर में ऐसे जिस तरह से खड़ी हुई तो गियर कम दिख रहा है, लेकिन सब फ्लेयर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक 36x4 तकरीबन 4 गज जो है वो घेरा होगा, 4 गज अच्छा खासा होता है, हम लोग जो है कस्टमाइज ड्रेसेस में इतने ज़्यादा वो बनाते हैं। तो दैट्स इट, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग।
तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगा, उसके अलावा प्राइस भी मुझे रीज़नेबल लगी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, और फॉर्मल वेडिंग वेयर के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा है वेडिंग सीजन के हिसाब से, क्योंकि अगर हम खुद मेड टू ऑर्डर ड्रेसेस बनाते हैं, कस्टमाइज बनवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, उसके बाद कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, तो मुझे हर लिहाज से बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट से अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।